सांभा जोर से को संभारना, मैंने इसे पकड़ रखा है। हाँ ठीक है सरदार। सांभा नहीं रुको। हे ले कलवा। सांभा सुअर के बच्चे, ये क्या किया तूने? क्यों मजा आया? सांभा मार लात, मैंने इसे पकड़ रखा है। ऐसी लात मारूंगा कि सीधा पानी में जाकर गिरेगा। बचाओ बचाओ बचाओ। पिछवाड़ा तोड़ इसका, पिछवाड़ा तोड़। हे ले कलवा। अरे ये हो क्या रहा है? क्यों हिला डाला ना? छोड़ूंगा नहीं। सरदार इस बार आप मारिए, मैंने इसे पकड़ लिया है। नहीं नहीं फिर से नहीं। सांभा रुक। सरदार आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ से दौड़ कर आऊंगा और इसे लात मारूंगा। वाह सरदार वाह। सांभा इसे जोर से पकड़, अब मैं इसे ऐसी लात मारूंगा कि एक कलवा समंदर के बीच में जाकर गिरेगा। नहीं 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 बचाओ। कलवा के बच्चे ये ले। कमर टूटी, बचाओ बचाओ। बाल बाल बच गया मैं तो। लगता है सब मुझे ही वोट कर रहे हैं। मैं पक्का जीतूंगा। सांभा अब देखना मेरा कमाल। बहन जी पैर छूने दीजिए। चल हट छिचोरा कहीं का। सरदार क्यों बूढ़ी औरत को छेड़ रहे हैं? अरे सांभा मैं तो बस बहन जी पैर छूने दीजिए कह रहा था। सरदार वो बहन जी नहीं 80 साल की बूढ़ी है और आप उसे छेड़ रहे हैं। क्या? हाँ। लूजर लूजर गब्बर इज अ लूजर। हे भगवान इतनी बदनामी, चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा है। गब्बर मुझे देख और कुछ सीख। मुझे आशा है कि आपने मुझे ही वोट दिया होगा। देखो तो कैसे हाथ फैला रहा है छिछोरा कहीं का, ये ले। लूजर लूजर कलवा इज अ लूजर। अरे ओ सांभा कितने आदमी थे? पता नहीं सरदार, मैं तो लड़कियां देख रहा था। सुअर के बच्चे मजाक नहीं, बता कितने आदमी थे? सरदार दो। मुझे गिनती नहीं आती, दो कितने होते हैं? सरदार दो एक के बाद आता है। और दो के पहले? एक के बाद दो आ सकता है। तो बीच में कौन आता है? बीच में कोई नहीं आता सरदार। तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं आते? क्योंकि दो एक से बड़ा है सरदार। दो आखिर एक से कितना बड़ा है? दो एक से एक बड़ा है सरदार। मतलब? बस हो गया सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। चवन प्रश्न ही, चाहे तो गोली मार दो लेकिन ऐसे सवाल मत पूछो। सुअर के बच्चे। सरदार आप इस सांबा को छोड़िए और इस कलवा के हाथ काटिए। ए हाथ हमको दे दे कलवा। नहीं। ए हाथ हमको दे दे कलवा। नहीं। ए हाथ हमको दे दे कलवा। ले कमीने ले ले मेरे हाथ, बसंती के भी ले ले, जय के भी ले ले, वीरू के भी ले ले, रामू काका के भी ले ले, ऑक्टोपस की औलाद बन जा कमीने। अरे बस कर यार कलवा, तू तो इमोशनल हो गया। अरे सरदार कलवा को मारो गोली और मेरी बात सुनो, आपको एक बहुत बड़ी बात बतानी है। बड़ी बात बतानी है? लगता है होली आने वाली है, तो बता सांभा कब है होली? सरदार आप हमेशा होली की ही क्यों बात पूछते रहते हो, आखिर आप चाहते क्या हो? सुअर के बच्चे यह खाली बैठा रहता हूँ तो सोच रहा हूँ कि इस होली पे पिचकारी की दुकान लगा लूँ। इस पागल का आज जन्मदिन है और इसे पिचकारी की पड़ी है। सरकार पिचकारी को मारो गोली, आज बहुत बड़ा दिन है, आज तो बसंती का डांस होना चाहिए। सुअर के बच्चे ज्यादा होशियारी मत दिखा और साफ साफ बता आज क्या है? सरकार आज आपका जन्मदिन है। नाचो अब। गब्बर लड़की वाले आ गए।
सांभा तुझे याद है ना क्या कहना है? हाँ। तो कैसे हो तुम सब? मैं अंधा हूँ। मैं मुंगा हूँ। मैं बहरा हूँ। अरे ए इन लोगों को क्या हो गया? सांभा बता इन्हें। कल एक लड़के के ऊपर बिजली गिरी और वो बिजली गब्बर ने देख ली और गब्बर अंधा हो गया। क्या? हाँ। और एक कैसे गूंगा हो गया? जिस लड़के के ऊपर बिजली गिरी थी वो लड़का यही है। बिजली गिरने के कारण ये बेचारा गूंगा हो गया। सच में? हाँ। और वो जानवर कलुआ वो कैसे बहरा हो गया? जो बिजली इस पर गिरी थी ना? हाँ। वो उस बिजली की आवाज से बहरा हो गया। सत्यानाश हो इस बिजली का। इस अंधे का क्या होगा अब? मुंगा हो गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। मैं कैसे मान लू कि तुम अंधे गूंगे बहरे हो? अरे आपको वो खंभा दिख रहा है? हाँ। उस खंभे के पास खड़ा लड़का दिख रहा है? हाँ। मुझे वो नहीं दिख रहा। अरे तुम तो सच में अंधे हो। और मैं अभी आपको बात करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं गूंगा हूँ। हाँ मैं गूंगा हूँ, मैं गूंगा हूँ। अरे तुम तो सच में गूंगे हो। हाँ। और इस बहरे का क्या, क्या ये सच में बहरा है? अरे आपने अभी कहा ना क्या ये सच में बहरा है? हाँ। मुझे वो सुनाई नहीं दिया। अरे तुम तो सच में बहरे हो। हे भगवान ये क्या हो रहा है? लगता है हम बच जाएंगे। चिंता मत करो, भले ही तुम अंधे गूंगे बहरे हो फिर भी मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कराऊंगा। क्या? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं चला यहाँ से, भागो। अरे ये कहाँ जा रहा है? चिंता मत कीजिए मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ, भागो भागो। अरे अब ये दोनों भाग गए। डरिए मत, मैं हूँ ना, अभी उन दोनों को पकड़ के लाता हूँ। क्या? भागो भागो। छोड़ूंगा नहीं, हिम्मत कैसे हुई भागने की, पकड़ो इन्हें। आ गए हम शादी के लिए आ गए, नाचो सब। खाना कहा है? खाना। नाचो नाचो। क्या कहा? मारो, अभी मारता हूँ, ये लो। जहाँ पना की जय हो। जहाँ पना, आपके लिए किसी ने ये पत्र लिखा है। आहा हाओ गुलाबी, जरूर मोहब्बत का खत होगा। बीरबल हमें ये खत जरा पढ़ के सुनाइए। जहाँ पना, बीरबल क्या जाने मोहब्बत की भाषा। जहाँ पना पत्र हम पढ़ते हैं, तुम जाओ। पढ़िए बलदेव पढ़िए। क्या हुआ पिताजी? बीरबल जरा आप इस खत को पढ़कर बताइए कि इस मासूम से बच्चे को ऐसा लप लपाता सनसनाता जोरदार लाफा क्यों दिया गया? जी जहाँ पना, शहंशाह सलामत अकबर हुकूमत के साथ जरा ये अपने मन चले शहजादे सलीम और वासु पर भी ध्यान दीजिए। दोनों का दिन महखाने में गुजरता है और रात ऐसी जगह गुजरती है कि यहाँ लिख नहीं सकते। जम के आपकी दौलत फूक रहे हैं दोनों। शहजादे सलीम क्या सच है? अब्बा हुजूर ये सब झूठ है। हाँ मुझे पता है, ये तो सच हो ही नहीं सकता। हाँ क्योंकि शाम को तो हम नाच देखते हैं और रात को जुआ खेलते हैं। क्या दिमाग पाया है मैंने? अरे चुप, आपके दिमाग को आग में फूंक देंगे। आज से और अभी से सलीम और वासु का मासिक जेब खर्च बंद। ना रहेगा धन, ना होगा टन 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 टन।
अरे रोकिए रोकिए, क्या हो रहा है, रोकिए। ए क्या आप नंग धड़ंग अंग प्रदर्शन कर रहे हैं? गुस्ताख बदतमीज इंसान, ए कौन सा तरीका है जापाना के सामने आने का? माना कि मौसम में गर्मी बढ़ रही है, पर ये क्या तरीका है? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं जापाना, मुझे उस लुटेरी अम्मा ने लूट लिया है। लुटेरी अम्मा कौन है ये निकम्मा? अरे वाह वाह वाह, ये तो शेर बन गया। अब विस्तार से बताइए क्या हुआ। जापाना, मुझे किसी ने कहा कि कोई बड़ी अम्मा आई है, उसके दर्शन लेने से सब मुश्किलें आसान हो जाती है। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे लूट लिया। बीरबल, ये क्या हो रहा है हमारी सल्तनत में? इस लुटेरी अम्मा के बारे में पता लगाया जाए और इसे हमारे सामने पेश किया जाए। हा 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 हा, क्या पेश किया जाए तो हो रही है ना। अरे ऐसा तो हम दोनों नहीं लेटा था लुटेरी अम्मा का वेश बदल के। अब्बा हुजूर, हम दोनों पता करते हैं इस अम्मा के बारे में। कब पता करेंगे आप बलदेव? अपने जूते जरा ठीक कीजिए, इतने गंदे हो गए हैं। एक जिम्मेदारी हम बीरबल को सौंपते हैं। टाक लिया। बीरबल जी। शहजादे सलीम, वासुदेव जी, हमरे ही कक्ष में चिल्ला चिल्ला के हमें ही क्यों ढूंढ रहे हैं? बीरबल जी, आपके गांव से संदेश आया है, मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रिय बीरबल, आपके मामा श्री मृत्यु शैया पे लेटे हैं। प्रिय बीरबल, आपके मामा श्री मृत्यु शैया पे लेटे हैं। अरे यहाँ तक समझ आया, यहाँ से आगे क्या? खाना पीना त्याग दिया है, कभी भी उनके प्राण निकल सकते हैं। जुबान पर सिर्फ एक ही नाम की रट लगा रखी है, बीरबल 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 बीरबल। निवेदन है कि आप शीघ्र ही उनके दर्शन के लिए आ जाइए। क्या दिमाग पाया है मैंने? इसमें लिखा है दिमाग पाया है, वो तो मेरा दिमाग है, मैंने पढ़ा है ना, इसलिए कहा। हमें शीघ्र ही गांव के लिए निकलना होगा। एक बार जहापना को पता था। अरे बीरबल जी, जहापना को हम बता देंगे, आप शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कीजिए। घोड़े पे टबड़ टबड़ करते हुए। पर जहापना को तो बताना होगा ना। अरे बीरबल जी, जहापना तो बेखबर होकर मुसल खाने में नहाते नहाते सो रहे हैं, और आप तो जानते हैं फूफू को नहाते हुए नींद आ जाती है। हाँ हाँ बीरबल जी, आप जल्दी जाइए, हम पे भरोसा रखिए। आप दोनों रखिए। मामा श्री, मैं आ रहा हूँ। बस यही एक खतरा था हमारे लिए, अब मैदान साफ है। चल अब लुटेरी अम्मा बनकर दूसरा मुर्गा फंसाते हैं। जहाँ पना। देखिए आप एक तो बॉल दीजिए या तो गुजर जाइए। जहाँ पना, एक गर्मा गर्म खबर लाए हैं। उस लुटेरी अम्मा ने दो और लोगों को चूना लगा दिया, कपड़े गहने सब लूट के ले गई। बीरबल अब तक गांव से लौटे नहीं? जी नहीं जहापना। फिर तो हमें ही कुछ करना होगा। आहम, तो कोई शक? बीरबल नहीं होंगे तो क्या काम काज नहीं होगा? रानी साहिबा, अब आप देखिए हमें, हमें कितना है दम, और किस तरह उस लुटेरे अम्मा को करते हैं खत्म। लगता है भैंस बदल कर उसे पकड़ना होगा।
अरे चाचा, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? अब बेटा हाँ, हम स्वर्ग के दर्शन करना चाहते हैं। आप किसी को जानते हैं जो हमें स्वर्ग के दर्शन करा दे? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज तो कौवा खुद मेंढक के पास आया है। क्या कहा? मेरा मतलब प्यासे के पास आया है। चलो, पल भर में स्वर्ग की सैर करा देगी। ओ माँ, कराता हूँ। अरे मेरी आँख की पट्टी तो खोलो। क्या आप ही हो अम्मा है जो हमें स्वर्ग के दर्शन कराएंगी? हाँ बालक, आओ मेरे दर्शन के लिए आओ। लेकिन सत्य आगे के आना, अगर तुमने कोई गहने कपड़े पहने हैं तो उसे उतार के आना। समझ गए, हम समझ गए। पर क्या आप जरा बाहर जाएंगे? क्या वो बात क्या है ना, हम मर्दों के सामने कपड़े नहीं उतारते। क्या बात, बहुत अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। उतारिए आप, उतारिए। अरे बाप रे, ये तो अब्बा हुजूर है।